हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बॉम्बे प्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नुमान कुरैशी लाया हूं आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है ईरा गोल्ड के ताल्लुक से। नौहेरा शेख की अपडेट है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो कई लोगों ने नहीं किया है तो वो ये मिस कर देंगे ये अपडेट। और जैसा कि हीरा गोल्ड की लीगल टीम से हमारा रابطہ हुआ है, कांटेक्ट हुआ है, तो ऑन डेट बिहाफ यानी कि उस बिहाफ में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। उनकी तरफ से मुझे अपडेट मिली है, हीरा गोल्ड की लीगल टीम ने मुझे ये अपडेट दी है और एकदम इसमें 100% सच्चाई है, ऑथेंटिक है ये रिपोर्ट। मुंबई में उनकी डेट है 16 मार्च को, थाने में उनकी डेट है 19 मार्च को, मालेगांव में उनकी डेट है 16 मार्च को, हैदराबाद रंगारेड्डी में उनकी डेट है 12 मार्च को, नामपली में उनकी डेट है 14 मार्च को, बुल्दाना और औरंगाबाद की अपडेट मुझे मिली नहीं है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। कल थाना में फर्स्ट हियरिंग थी चार्जशीट पे, जिसमें नौहेरा शेख प्रेजेंट ना होने की वजह से 19 मार्च को दे दी गई है। अब 19 मार्च को प्रेजेंट होना है उन्हें कोर्ट में। मुंबई की भी डेट है 16 मार्च, ठीक है। थाना केस में आपा के साथ अजीज़ वाले जो एमी है नेरुल नवी मुंबई से, उनको उनके ऊपर भी केस हुआ था, FIR हुई थी आपा के साथ में ही, तो उनको 14 दिन की JC मिली है। भाईकल्ला जेल में रखा गया है उन्हें। कल उनके वकील थाना कोर्ट में बेल अप्लाई किए थे। इनकी बेल ऑर्डर का रिज़ल्ट आएगा 13 मार्च को, मतलब उनकी बेल ऑर्डर पे जज फैसला सुनाएगा 13 मार्च को कि बेल ग्रांट करना है नहीं करना है, ठीक है। और एक बात है कि इन्वेस्टर्स आपा के फेवर में जो वीडियो बनाते हैं और जिसमें वो टारगेट करते हैं उनके अपोजिशन को, यानी कि जो अपोजिट जो लोग हैं, मुखालिफिन लोग हैं, जो एंटी हीरा है, तो वो ऐसा ना करें क्योंकि उसकी वजह से उनके केस के ऊपर काफ़ी असर गिर रहा है। तो ये जो आपा की लीगल टीम है उन्होंने कहा है हमसे कि आप रिक्वेस्ट करके बोल दीजिए कि उनकी गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। जो आपको बनाना है आपा के फेवर में कि आपा ने इनकी हेल्प करी, यहाँ पे स्कूल की हेल्प करी, मदरसे की हेल्प करी, उनकी कंपनीज चालू, वैसा सब वीडियो बनाइए। उनके जो एंटी हीरा वाले हैं उनको टारगेट करके ऐसा कोई वीडियो ना बनाइए कि वह ऐसे है वैसे है, ठीक है। उससे उनके केस पे काफ़ी असर गिरा है, ये उनकी लीगल टीम ने हमें बताया है कि आपको कह देने इन्वेस्टरों को। आपा की लीगल टीम ने हमें बताया है कि आपा जैसे ही बाहर आएंगी तो वो हमारे चैनल पर या वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगी कि उन्हें कितना टाइम लगेगा स्टेबल होने के लिए। मतलब जैसे कि अभी वो छूट के बाहर आएंगी, ठीक है, तो अभी बाहर आते ही वो सब चीज़ देखेंगी ना अपनी कंपनी की, ये वो सब तरीके से उनका अकाउंट डीफ्रीज करने की मांग करेंगी वो कोर्ट के थ्रू, बाकी और सब चीज़ें देखना पड़ेंगी उनको। तो उनको एक टाइम पीरियड चाहिए, एक ब्रेकिंग पीरियड आप लोग उन्हें देना कि वो स्टेबल हो जाए और फिर वो आपको बताएंगी कि कैसा वो इन्वेस्टर का पैसा कैसे और कब देंगी। एक ब्रेकिंग टाइम पीरियड आप लोग को देना पड़ेगा उनको, तो वो सब चीज़ मतलब आप सबके सामने बता देंगी कि कंपनी में जो लोग रहना चाहते हैं और जो लोग जाना भी चाहते हैं वो लोग को कैसा पैसा मिलेगा प्रॉफिट के साथ, वो दे देंगी। और कई लोगों ने हमसे सवाल किया है तो वो सवाल के जवाब वहाँ के लीगल टीम से आ चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ सवाल क्या था। एक उमर भाई है अंधेरी के, मुंबई के, तो उन्होंने हमसे सवाल किया था आपा की रिपोर्ट क्या है, कब तक छूटेंगी, पेमेंट मोड क्या है। तो वहाँ से जवाब आया है उनकी लीगल टीम से, इंशाल्लाह आपा नौहेरा शेख बहुत जल्द बाहर आने वाली हैं,
हमारी लीगल टीम बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है मार्च एंड तक आपा नौहीरा हमारे साथ होंगी। आपा नौहीरा जेल से बाहर आते ही जैसे उनके अकाउंट डीफ्रीज होंगे वैसे ही सबके प्रॉफिट विड्रॉल जाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरे एक जावेद भाई है यूपी से, उनका सवाल है, मेरा सवाल कलीम चाचा से पूछो मार्च 2019 में या 2020 में पैसा मिलेगा। तो वहाँ से उनकी लीगल टीम से जवाब आया है, कलीम चाचा कोई कंपनी के स्पोक पर्सन नहीं है, कलीम चाचा को ये बात हैदराबाद की लीगल टीम ने बताया है कि इंशाल्लाह आपा नौहीरा मार्च 2019 के एंड तक हमारे साथ होंगी। ठीक है, एक भाई का कतर से आया है, उनका नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया है, भाई पैसे मिलेंगे कि नहीं ये उनका सवाल है। तो आंसर है अल्हम्दुलिल्लाह भाई सबके पैसे मिलेंगे और वो भी प्रॉफिट के साथ इंशाल्लाह। आपा नौहीरा शेख का भी यही स्टेटमेंट है कि अल्लाह मुझे तब तक ज़िंदा रखना जब तक मैं सबकी अमानत लौटा ना दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि हमारे हलाल के पैसे हैं और हमें ज़रूर मिलेंगे। एक भाई है मोहम्मद आरिफ विक्रोली मुंबई से, उनका बहुत बड़ा सवाल है, मैंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 2016 में और जो पिछले 8 से 10 महीने से प्रॉफिट नहीं आ रहा है कि अगर इंशाल्लाह आपा बाहर आ रही हैं तो क्या वो ये सब रिटर्न देंगी। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप पूछ के बताएं हमें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपा जल्द से जल्द छूट जाए और जो हम सब लोग की परेशानी है ख़त्म हो जाए, जज़ाकल्ला खैर। तो वहाँ लीगल टीम से जवाब आए, हमें हमारे पैसे ज़रूर मिलेंगे और वो भी प्रॉफिट के साथ इंशाल्लाह। कि अभी आपा नौहीरा शेख ने कहीं भी ये डिक्लेयर नहीं किया है कि कंपनी को लॉस हुआ है और आपा को जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहते होंगे, चित्तूर की सीबीआई ब्रांच ने अपने स्टेटमेंट में यस्टरडे डिक्लेयर किया था हीरा ग्रुप की 3 बिजनेस अभी भी चल रही है, हीरा गोल्ड, हीरा टेक्सटाइल, हीरा फूड एक्स, ये 3 बिजनेस अभी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक शख्स का कॉल आया था राजस्थान से, उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करो अकाउंट डिफ्रीज की और पेमेंट चालू करो। तो वहाँ की लीगल टीम ने हमें जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हमारे एक्स लॉयर ने कंपनी और आपा नौहीरा शेख का नाम ख़राब करके रखे हैं, फिर भी हमारी लीगल टीम इन सब पे बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट भी आप सबके सामने आएगा। एक लेडीज़ का फ़ोन आया था हमें मुमरा से कि कोई ज़िम्मेदार शख्स आगे आए और ज़िम्मेदारी ले तो कोई केस नहीं करेगा। तो वहाँ से जवाब आया, देखो केस करना या ना करना वो आपका हक है, और रही बात ज़िम्मेदारी की तो किस बात की ज़िम्मेदारी लें जबकि आपको मालूम है कि पूरी हीरा ग्रुप कंपनी को संभालने वाली एक अकेली आपा नौहीरा शेख ही है। अच्छा, ज़िम्मेदारी से याद आया, आपको बताता चलूँ कि आपा के 32 फैमिली मेंबर्स पे FIR हो चुकी है उनके साथ में, यानी कि एक FIR के अंदर 32 लोगों के भी नाम है जिसमें एक 7-8 साल की बच्ची है। ठीक है, अब वो बच्ची का क्या कसूर है वो तो ये पुलिस वालों को ही मालूम होगा कि वो बच्ची ने क्या करी है, तो वो बच्ची का भी नाम है FIR में। तो इस तरीके से 32 लोगों का नाम है फैमिली मेंबर्स का और वो सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो अरेस्ट हो जाएंगे वो भी आपा की तरह, और कंपनी जो है वो तितर बितर हो जाएगी। ठीक है, कंपनी डूब जाएगी, इसके लिए ये सब खेल रचा गया है। इससे पहले भी मैंने जो बात किया था जो साहब है शहबाज खान, तो उनसे मेरी ऑडियो है ये चैनल पे मेरे, आप सुन सकते हैं,
उनका कहना है कि मैं 2010 से वीडियो बना रहा हूँ कि ये पोंजी स्कीम है। तो 2010 से आप जब ये वीडियो बना रहे हो तो आपकी 2018 में सुनी क्या पुलिस वाले लोग ने, 8 साल के बाद, ठीक है। और उन्होंने इन्वेस्टर के थ्रू करवाया है, खुद वो करते थे, वीडियो डालते थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसके लिए ये सब आप लोग को पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात है, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है काफ़ी दिनों से, ठीक है, कि आपा को जेल के अंदर मारने की साजिश रची जा रही है, उनके ही फैमिली वाले लोग उनको मारना चाहते हैं और खाना नहीं खाना चाहिए आपा को, ये वगैरह वो सब। तो उनकी लीगल टीम से हमने पूछा कि ये बात सही है क्या जो ये वीडियो सब बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ऐसा वैसा, तो उनकी लीगल टीम का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके फैमिली मेम्बर्स आज भी उनके साथ में ही खड़े हैं और रहेंगे, और कोई कंपनी का कुछ लॉस नहीं हो रहा है और कोई अमानत में खयानत नहीं हो रही है, और वो लोग पे तो खुद ही केस हुआ हुआ है, वो लोग तो खुद इधर उधर भागते फिर रहे हैं बेचारे, कि एक ऐसा बच जावे और कंपनी को संभाल लें, नहीं तो कंपनी जो है डूब जाएगी। एक शख्स का कहना है, एक शख्स का फ़ोन आया था सतारा से कि आपा को ओवैसी से हाथ मिला लेना चाहिए और उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये सवाल एकदम इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी लीगल टीम को भेज दिया था ये सवाल, क्योंकि दुश्मनों से कैसा हाथ मिलाना सही है कि नहीं ऐसा वगैरह, तो इसका जवाब अभी नहीं दे सकते, उनका ये कहना है लीगल टीम का कि इसका जवाब हम नहीं दे सकते। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अगला वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होएगा अपना आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जितने भी यूट्यूब के ऊपर सब फेक न्यूज़ चला रहे हैं, सब फेक आपको बातें बताई जा रही हैं, कोई वो लोग को कुछ मालूमात नहीं है, कोई कुछ भी कह रहा है, ठीक है, कोई कुछ भी डेट बता रहा है आपको, मीटिंग की डेट बता रहे हैं, मीटिंग अभी इंशाल्लाह जब वो लोग रखेंगे तो हमको बताएंगे, मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बता दूंगा मीटिंग किधर है कब है, ठीक है। और फालतू अफवाहों पे ना जाइए, क्योंकि ये ऐसा हो चुका है अभी कि इसके अंदर कितने लोग अफवाह उड़ा रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, कितने लोग इसको कमाने का ज़रिया बना दिए हैं कि चैनल के अंदर चलाते रहो हीरा गोल्ड पब्लिक देख रही है, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको दिया हूँ, अभी जो भी दिया हूँ ऑथेंटिक न्यूज़, आगे भी जो इंशाल्लाह वो ऑथेंटिक रहेगा मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उनकी लीगल टीम से रابطہ करता हूँ। और आप लोग को भी अगर मुझसे बात करनी है, रابطہ करना है, तो मेरा नंबर दिया हुआ है उधर, मेरे को कॉल कीजिए, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी बात पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इधर उधर की फालतू वीडियोज़ को अवॉइड कीजिए, ये सब फेक न्यूज़ डाल रहे हैं ये लोग, और इसके ताल्लुक से, हीरा गोल्ड के ताल्लुक से अभी लीगल टीम भी एक्शन ले रही है कि चैनल को बॉयकॉट करो, इस चैनल को बॉयकॉट करो, वो लोग सब ले रहे हैं एक्शन। थैंक यू।